हाँ जी, सत श्री अकाल जी। किवें हो सारे जाने? होप तुसीं सारे जाने ठीक होवोगे। मैनूं तां माफ़ी मंगदे हां कि 2 महीने हो गए कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी सीगा, इस करके कोई वीडियो बना नहीं पाए, ना ही इन्फॉर्मेशन, ना ही ट्रैवल वाली। तो अज फाइनली आपां चले हां जी घूमण फिरन, जिदा कि गर्मियां हैगियां वा। मैं तुहानूं सारे नूं भी सुजैसट करदा वा कि घर बैठन दा कोई फायदा नहीं आ, वीकेंड वगैरह ते बाहर घूमण फिरन चल जाया करो। तो मैनूं पता सारे बोर वगैरह हो गए होने नाइगरा टोरंटो जा के, तो अज आपां तुहानूं नवीं जगह ते लै के चले हां, इक जिहड़ी कि ब्रैम्पटन तों 3 घंटे की ड्राइव ते हैगी आ। ये बेसिकली उन्हां लोगों को पसंद आऊगी जिन्हां नूं हाइक करना पसंद हैगा वा, क्योंकि आपां हाइक करांगे तो उत्थे जाके आपां नूं बहुत वधिया व्यू वेखण नूं मिलेगा। इस जगह ते जाण दा मैं लास्ट समर तों प्लैन कर रहा वा, बट अपने बंदे मनदे नहीं, क्योंकि हाइक वगैरह करना सारे नूं पसंद नहीं हुंदा। तो ऐतकी अज आपां चले हां ते तुहानूं विखाने आ वी किदां दा व्यू हैगा वा, किन्ना खर्चा वगैरह वा, की रिजर्वेशन उत्थे चाहीदी आ, किदां पार्किंग वगैरह, सारा कुछ इस वीडियो दे मैं तुहानूं दस्सूंगा। हाँ जी, आप पहुँच गए हैं जी लाइन हैड लुकआउट की पार्किंग दे विच। ब्रैम्पटन तो आप 8:30 तुरे से, हूँ 11:50 हो गए आ, तो वही 3 घंटे तो बाद टाइम लग गया। टिम के आप रुके से, एक ब्रेक लई सी, तो इतने आप रिजर्वेशन कराई सी, आप फुल डे पास लिया से। 4 आवर की पार्किंग भी होंगी, फुल डे पास भी होंगे वा। जो 4 आवर की पार्किंग $20 की आ, जो फुल डे पास वो $30 की आ। सो रिजर्वेशन जी गूगल पर जाके भरोगे लाइन हैड पार्किंग, तो उत्थे जाके चैक करोगे अपनी डिटेल्स वगैरह भरोगे, तो दैन तुम उतों अपनी परमिशन लै सकते हो, लाइक टिकट बुक कर सकते हो, रिजर्वेशन करा सकते हो। तो जिहड़ा लाइन हैड लुकआउट है, ये बेसिकली 7 किलोमीटर का ट्रैक हैगा वा अप्रोक्स। तो इस करके तुहानू मैं रिकमेंड करूँगा कि फुल डे पास लियो, क्योंकि 7 किलोमीटर जे आप जाना वा तो आपको 2-2.5 घंटे तो आराम ना लग ही जाने हैं। तो फिर जो तुहाडा 4 घंटे वाला पास एक्सपायर हो गया तो गाड़ी टो भी हो सकती है, टिकट भी लग सकती है। इस करके फुल डे पास लियो। तो आप हुण पहुँच गए हाँ, तो आ पार्किंग लोट आ, इतने सारिया गड्डिया की मतलब पार्किंग लगी हुई आ। सारे जने ने रिजर्वेशन कराई सी, तो हूँ आप ट्रेल वालू चलन लगे हाँ, तो वेखते हैं 7 किलोमीटर की हाइक आ, उत्ते जाके बहुत ही वधिया आपको व्यू नज़र आना वा, तो आप हाइक शुरू करन लगे हाँ। आ जाओ भी चलते हैं। सो आप हाइक शुरू कर दी आ, 11:55 को आप हाइक शुरू की सी, हूँ वेखते हाँ कि कितना टाइम लगेगा। मैनू लगता कि 2.5 घंटे लग जाएंगे आराम ना, बाकी देखते हैं कि आप कितनी को स्पीड ना जाने हैं, उस हिसाब ना आपको पता लगेगा कि कितना टाइम लगता। बाकी इन्नी सौखी हाइक नहीं लगन दी, पत्थर पुत्थर बड़े है, तो वधिया ही बूट पा के आयो जे हो सके। जेडे रेगूलर हाइकिंग वगैरह करते जिन्होंने हाइकिंग का शौक हैगा, वो तो अपने हाइकिंग वाले बूट लेके आयो, सो डैट कि तुहानू ईजी रहेगा। सो जो भी तुसी ट्रैक शुरू करना वा, तुसी मेक श्योर करना कि तुहाडे कोल अपना पानी ते खाण पीने वाला समान जरूर होना चाहिए, क्योंकि रस्ते विच तुहानू कुछ मिलना नहीं हैगा। इस करके उत्थे पानी ते अपना खाण पीने वाला समान लैके जाओ, सो डैट कि जो तुसी उत्थे पहुँच जाओगे तुसी नाले उत्थे व्यू इंजॉय कर सकते हो, नाले अपना खा पी सकते हो। वट्टे वट्टे जे बड़े हैगे, पत्थर ही बहुत। मैनूं तां लगदा बूट मेरे टुट टुट जाणे आ, मैं आप हाइकिंग वाले बूट नहीं लैके आया, देखते हैं की बनता अगे अगे जाके की पता औखा हो जाए। ट्रैक ट्रैक ही एक हिसाब का, हाइकिंग ट्रैकिंग जो भी है सारा कुछ देखते हैं। ठीक है भी, हाइक करते हुए आप एक चीज़ का जरूर ख्याल रखना कि आप चिट्टे जिहड़े निशान आ उन्होंने वेखते जाइए। जे आप चिट्टे निशान जे अपने राह आ रहे, यहाँ मतलब कि आप सही जगह पर जा रहे हैं, सो इन्हों जरूर फॉलो करना। थोड़ा जहा चल के मैं ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नॉट श्योर कि किन्ने किलोमीटर आप चले हाँ, तो थोड़ा जहा चलन तो बाद रस्ता जरा थोड़ा समूथ हो जाता वा, तो ये वधिया ही सौखा वा। उत्थे ते डर ही लगा कि पैर इधर उधर ना हो जाए, मोच भी आ सकती है जे पैर इधर उधर हो गया, क्योंकि रस्ता टेढ़ा मेढ़ा जाइए, पत्थर हैगे सारे पासे, सो जे बच बच के जाना पैना वा। 1:20 हो गए आ, तो आप एक भी ब्रेक नहीं ली, आप चली गए ही सीधा, तो 10 तो 15 मिनट का रस्ता रह गया बस हूँ। तो जो आप लाइक सेंटर दे च पहुँच जाने, सेंटर तो थोड़े अगे आए हैं, अपना व्यू दिखना शुरू हो जाता, तो पॉइंट्स है, बट जो मेन लुकआउट पॉइंट आ
वो 10 तो 15 मिनट तक आप पहुँच जाना वा, फिर जाने तो विखाने तू जाके। बट ये वा कि बाद चो रस्ता थोड़ा जहाँ हार्ड होना शुरू हो जाता वा, काफ़ी हार्ड रस्ता है वा, सो बड़े आराम ना ध्यान ना जाना पैंदा वा। पहुँच गया जी लाइन साइड लुकआउट, बड़ा औखा जहा काम आ बी इतों तो उतरना, डर जहा लगन डा कि उतरना काम, आराम ना मजे मजे। लो जी आप 7 किलोमीटर की हाइक करके पहुँच गए लुकआउट पॉइंट, आज तुम विखाने व्यू। बहुत ही ज़्यादा घेंट व्यू आ, बहुत ही ज़्यादा घेंट व्यू। 7 किलोमीटर की हाइक करनी सौखी नहीं हैगी, 7 किलोमीटर की हाइक करते बंदा थक जाता, पर जो यहोजा व्यू मिले तो थकावट तो सारी भज जाती है। 7 किलोमीटर तो कुछ नहीं है, जो 10-15 किलोमीटर भी चढ़ने पैन ना यहोजी चीज़ वेखण वास्ते वर्थ इट आ, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं हैगी। बहुत ही ज़्यादा घेंट व्यू आ, मस्ट विजिट दिस प्लेस, वर्थ इट आ यार, वर्थ इट आ। मैं तुहानू रिकमेंड करूँगा कि जरूर इत्थे आओ जे तुसीं नाइगरा टोरंटो जा बोर हो गए हैं, तो बहुत ही वधिया जगह वा, आपां नवीं जगह लभी आ, होर भी बथेरिया बथेरिया नवीं जगह आपां तुहानू दसांगे, तो इदां ही तुहानू घेंट घेंट जी जगह विखावांगे। We'll be right back.